सो हे वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो एंड कैसे हैं आप सब एंड जैसा कि आज इस वीडियो का आप टाइटल देख कर आए हैं मैं वही वीडियो आज आपके सामने लेकर आया हूं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट ग्रिड मेकर ऐप कौन सा है एंड कैसे इसे यूज करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने ली है एक ए फोर साइज की शीट शीट है आइवरी पेपर की एंड uh, आपको यूज पड़ेगी एक पेंसिल की एंड मैकेनिकल पेंसिल की एंड एक आयरन स्केल की एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग करके सब चीज समझ आ जाएगी आपको इस वीडियो के द्वारा मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप सब कुछ ग्रेड मेथड के बारे में समझ जाओगे एंड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे ये रोहित पीसी की गारंटी है सो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे कौन सा ऐप यूज होगा एंड कहाँ कहाँ पर क्या काम होगा सो so, सबसे पहले तो आपको अपनी एक स्केल और एक पेंसिल ले लेनी है यहां पर मैंने मकैनिकल पेंसिल का यूज किया था बट आपको भी मकैनिकल पेंसिल का यूज करना है बट मैं मुझे एक टू बी की पेंसिल का यूज करना पड़ा आर्ट लाइन की क्योंकि वो आपको अच्छे से विजिबल नहीं थी तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे बनेगी ग्रीड्स इसकी सो so, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले आपको पेपर को क्या कहते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप में रख लेना है एंड उसके साइड में एक लाइन खींच लेनी है जैसे कि आपको लाइन विजिबल नहीं हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी पेंसिल चेंज करी है एंड अभी ये इससे भी थोड़ा सा विजिबल विजिबिलिटी आपके लिए कम थी तो मैंने एक और बार पेंसिल चेंज करी है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं आपको टू टू सेंटीमीटर पे मार्क्स लगा लेने हैं अच्छे से छोटे छोटे आपको पॉइंट्स लगाने हैं ताकि आगे चल के आपको मैं बताऊंगा उनका क्या काम है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक तरफ में लगा लिया है एंड हम दूसरी तरफ शीट को वापस से जिस शेप में रहती है उसी शेप में रख लिया है हमने शीट को एंड यहाँ पर मैंने एक और बार लाइन खींची है एंड इस पर पॉइंट मार्क करेंगे टू टू सेंटीमीटर के गैप पे उसमें हमारे टेन पॉइंट्स मार्क हुए थे एंड यहाँ पर हमारे फोटीन पॉइंट्स मार्क होंगे टू सेंटीमीटर के गैप पर ही फोर्टीन पॉइंट्स मार्क होंगे एंड यहां पर मैं यूज करूँगा टू बी पेंसिल का क्योंकि आपको विजिबिलिटी नहीं आ रही अच्छी एंड बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मैकेनिकल पेंसिल जीरो पॉइंट फाइव mm एम एम की यूज करिए क्योंकि आउटलाइन ग्रिड की जो होती है ना वो मिटने में आसानी हो जाती है जब हम आ, उसका यूज करते हैं मैकेनिकल पेंसिल का अगर हम इस पेंसिल को यूज करके ग्रिड्स बनाएंगे तो फिर वो मिटनी मुश्किल हो जाएगी मतलब मिट तो जाएगी बट उसकी लाइंस रह जाएंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज करिएगा एंड मैंने यहाँ पर किया है आ, आर्ट लाइन की टू बी पेंसिल का एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टू टू सेंटीमीटर के गैप पर मैंने पॉइंट्स मार्क करने शुरू कर दिए हैं आपको भी बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही पॉइंट्स मार्कआउट कर लेने हैं टू टू सेंटीमीटर के गैप पर आपको फोर्टीन पॉइंट्स मार्क करने हैं आपको पॉइंट ए वाले अभी थोड़े से बस छोटे से ही रखने हैं इनका वर्क अच्छा होगा आगे चल के अभी आपको छोटे पॉइंट्स ही रखने हैं यहां तक एंड यहाँ पर हमारी दो साइड्स कंप्लीट हो चुके मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टू साइड्स को कंप्लीट करने के बाद एंड जैसा कि आप देख सकते हैं अब मैंने ये बाकी की टू साइड्स भी कर ली है कंप्लीट अब आपको क्या करना है अब आपको स्केल और पेंसिल की मदद से आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज कीजिएगा मैं बार बार कह रहा हूँ आपको लाइंस जो पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए हैं उन्हें मैच करना है जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं आपने जो पॉइंट्स उन पॉइंट्स को आपको मैच करके अच्छे से लाइन खींच लेनी है लाइन पॉइंट्स uh, हमने दोनों साइड इसीलिए मार्क किए क्योंकि जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो और अगर लाइन हमारी स्ट्रेट ड्रॉ होगी तो फिर हमारी रेफरेंस से हमारी जो हम um, आउटपुट जो स्केच का हमें मिलने वाला है वो भी बहुत बेहतरीन मिलेगा मेन मैटर करता है कि हमारी ग्रिड्स कैसी ड्रॉ हुई हैं ग्रिड्स पर्टिकुलर हैं या नहीं वो हमारी मेन पीक होती है एक ग्रिड मेथड की जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आधे लाइंस को तो ज्वाइन कर लिया है एंड आगे की लाइंस को भी मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूं बिल्कुल आराम से आपको ज्वाइन करना है कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इन इनको अच्छे से पहले मैं बताता हूँ पहले आप ऊपर वाले पॉइंट से स्केल को मेजर करके मैच पे रखिए उसको एंड देन नीचे वाले स्केल स्केल से नीचे वाले पॉइंट को जोड़िए टच करिए एंड देन फिर आप एक लाइन खींचिए जैसे कि मेरे को टाइम लग रहा है ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है बट ये बेस्ट मेथड है ग्रिड मेथड इज बेस्ट मैथड फॉर बिगनर्स एंड फॉर एक्सपर्टीज ऑल्सो एक्सपर्टिस्ट भी इसे ट्राई करते रहते हैं अपनी स्केचेस को अच्छा आउटपुट लेने में अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी सीधी ऊपर से नीचे जो लाइन जा रही है वो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है वर्टिकल लाइन्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब हम स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन्स को ड्रॉ करना एंड यहाँ पर हमारी पहली हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं एंड अब इसको हमें अच्छे से जहाँ जहाँ पर पॉइंट मैच हो रहे हैं वहाँ पर स्केल रख के पॉइंट uh, को स्केल से टच करके देन हमें वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है पॉइंट टू बी नोटेड डेट यू शुड यूज योर मकैनिकल पेंसिल नोट योर एंड अदर पेंसिल टू बी के पेंसिल का मैंने इसलिए यूज किया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके शीट पर वर्क हो रहा है मैकेनिकल पेंसिल से इतना अच्छे से नहीं दिखता जितना टू बी से अच्छे से आपको दिख पा रहा होगा एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने आधी लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं बिल्कुल अच्छे से आराम से आपको टाइम देकर लाइन्स ड्रॉ करनी है ऊपर के पहले ऊपर के पॉइंट से स्केल को टच कीजिए देन अपने नीचे के पॉइंट से स्केल को टच कीजिए एंड देन एक अच्छे से स्केल पर एक अच्छे से ग्रिप बनाकर उसे टाइट पकड़कर देन उस पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए अगर आपकी लाइन सीधी होगी तो आपकी आउटलाइन एंड रेफरेंस का जो स्केच होगा वो बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी इस वीडियो से आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ग्रिड लाइंस को ड्रॉ किया जाता है एंड यहां पर हमारी आ, सारी ग्रिड्स कंप्लीट हो चुकी हैं एक ए फोर साइज की शीट पर एंड इस पर अब हम करेंगे नंबरिंग मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप ये जो ऊपर का ज्यादा गैप जहाँ से आपका छूटे उसे ऊपर की साइड दे दीजिए नीचे का कम गैप ही अच्छा लगेगा ऊपर से ज्यादा गैप अच्छा लगेगा नीचे अगर ज्यादा गैप आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नंबरिंग करी है एंड यहाँ पर आ चुके हैं टेन कॉलम्स वर्टिकली हमारे फोर्टीन कॉलम्स आएंगे एंड हॉरिजॉन्टली हमारे टेन कॉलम्स आएंगे यह ये, ये एक पॉइंट भी याद रखिएगा आपको जो वन है दोनों एक ही कॉलम में रखना है एंड यहाँ पर हमारी दोनों साइड्स पर नंबरिंग हो चुकी है सो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर मैं वहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि कौन सा मैं आ, कौन सा ऐप मैं यूज करता हूँ अच्छे से बिल्कुल सिखाऊंगा ये ए साइज पर वर्क हुआ है ये ग्रिड्स ए साइज पर बनी हुई हैं शीट का यूज़ करा है मैंने आइवरी शीट का एंड आइए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर एंड वहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऐप एंड कैसे उसे, उसे यूज़ करना है चलिए चलते हैं सो so गाइज अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आ, कौन सा ऐप यूज़ करते हैं एंड उसे कैसे यूज़ करते हैं सो so, सबसे पहले तो आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है मोबाइल फ़ोन में एंड यहां पर आपको सर्च करना है ड्राइंग ग्रिड मेकर ऐप सर्च पर सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपका एक ऐप अभी आ नहीं रहा है बट कोई नहीं आप टेंशन मत लीजिए मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा वो शायद मेरे ख्याल से अब तक हट चुका है वो प्ले स्टोर से बट पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ बट ऐसा हो चुका है बट आप टेंशन मत लीजिए मैं आपको दे दूंगा उस ऐप की लिंक आ, बिल्कुल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो आइए पहले आपको अपना एक रेफरेंस चूज कर लेना है हमें जाना है गैलरी में गैलरी में जाने के बाद हमें अपने रेफरेंस फ़ोटो को चूज़ करना है रेफरेंस फ़ोटो मैंने अब अपने बॉलीवुड एक्टर के लिए है एंड शेयर वाले बटन पे हमें यहाँ पर क्लिक करना है जैसे हम शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा ड्राइंग ग्रिड इस पर हमने क्लिक किया एंड ये रेफरेंस जो है हमारी यहाँ पर आ रही है एंड रेफरेंस को हमने थोड़ा सा नीचे लिया ताकि हम देख सकें अच्छे से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एक मिनट एंड सबसे पहला स्टेप इस ऐप ऐपर इस ऐप में आकर आपका अपना रेफरेंस शेयर कर कर सबसे पहला स्टेप देखिए ब्लैक एंड वाइट बी डब्ल्यू जो यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है इस पर टिक कर देना है इससे हमारी फोटो जो है कलरफुल से ब्लैक एंड वाइट में हो चुकी है एंड दूसरा स्टेप ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं वन टू थ्री फोर फोर्थ नंबर पे जो आपको कॉलम दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर फाइव को कट करके आपको फोर्टीन लिख देना है ओके कर कर आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले बॉक्स पे फाइव को अगेन कट करके टेन लिख देना है एंड ओके कर देना है एंड यहाँ से आप कोई सा भी कलर ले सकते हो अपनी ग्रेड्स का मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप ब्लैक लो ब्लैक्स में ही ज़्यादा थोड़ा सा हमारी अच्छा वो बनता है सब कुछ समझ में आता है एंड यहाँ पर जो भी कलर आपको चाहिए उसे ओके करके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप हमारा होगा ये जो आपको सेकंड लाइन में फर्स्ट वाला कॉलम दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से फोर को काट के वन पे कर देना है एंड यहाँ से कर देना है ओके okay. अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रिड्स हैं वो बिल्कुल पतली हो चुकी है बिल्कुल आ, हमें अच्छे से दिख रहा है पहले देखिए पहले आपको दिख नहीं रहा था अच्छे से ग्रिड ज़्यादा मोटी थी एंड वहाँ पोर्शन दिख नहीं रहा था अच्छे से तो इसको यहाँ से कट करके हमें वन पे कर देना है एंड यहाँ से आपको ग्रिड्स अच्छे से दिख रही हैं एंड रेफरेंस भी अच्छे से दिख रही हैं एंड जो हमारा एक और मेन स्टेप है वो है एस के वाला बटन प्रेस करना इससे हमारी जो रेफरेंस है वो बिल्कुल अच्छे से स्क्वायर शेप में बन जाएगी एंड जो जब हम आउटलाइन बनाएंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी एंड इस पर क्लिक कर दीजिएगा एंड ये अब हो चुकी हैं पूरी की पूरी रेफरेंस हमारी तैयार ग्रिड्स लगकर वो भी मोबाइल फ़ोन में ऐप की मदद से एंड जैसा कि अब आप गिन सकते हैं यहाँ पर हमारी कितनी ग्रिड्स बन रही है मैं जूम कर देता हूँ आइए गिनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जी हाँ जैसा कि हमारे बिल्कुल आ, हमने जैसे लाइन ड्रॉ करी मैंने सिखाया आपको वैसे ही हमारी ऊपर के में टेन बन चुकी हैं आइए नीचे वाली और देखते कितनी बनी है जूम कर देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन सो आइए यहाँ पर हाँ वो थोड़ा सा कॉलम छूट गया था बट कोई नहीं सॉरी बट ये फोटीन ही बनी आप कहें तो मैं वापस से गिन के दिखा देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन 14 बनी है यहाँ पर हमारी जैसे 10 बाई फोर्टीन का हमने जो ग्राफ लिया था बिल्कुल सेम ऐसे ही बनी है एंड अब आपको क्या करना है इसे गैलरी में सेव करने के लिए जो फर्स्ट रो में आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है ये है गैलरी में सेव करने के लिए इसको आपको एक बार बस क्लिक कर देना है एंड ये फ़ोटो हो गई आपकी गैलरी में सेव तो आइए गैलरी में जाकर देखते हैं कि फ़ोटो सेव हुई है कि नहीं जी हाँ ये फोटो सेव हो चुकी है इसको आप अब आप इसमें से आराम से रेफरेंस ले लेकर आप इस पर वर्क कर सकते हैं अपनी आउटलाइन और स्केच को आउट अच्छा आउटपुट दे सकते हैं सो so गाइज अपना इतना अप्रीशियस टाइम देने के लिए एंड बहुत बहुत थैंक यू आपका एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो नॉलेजेबल लगी हो एंड आप ग्रिड मैथड सीख पाए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड आपका कहीं डाउट रह गया हो तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए बाय बाय गाइस